हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। तो आज हम लोग ये धान सुखा दिए हैं, पर मौसम तो ऐसा है, बादल बादल किए हैं, धूप पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, जैसे कि ये इसका पानी सूख जाएगा इतना, इसीलिए हम लोग निकाल दिए हैं बाहर। ये धान को तभी मैं ही निकाली थी मैं, और अभी उसको पलट दी हूँ। तो मैं जाती हूँ बारी तरफ, मेरा घर का काम भी सारा ख़त्म हो गया है, और इधर मेरा कैमरामैन है बारी में, लगे पड़े हैं, और इधर साइड साइड में थोड़ा घास हो गया है तो वही सबको चुन रहे हैं कोड़ा लगा लगा के। उगने का तो अच्छा ही उगा है और अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन ये घास सब रहने से ना कीड़ा लग जाते हैं, तो ये घास सबको निकालना पड़ेगा। मैं फ़ोन को यहाँ पर छोड़ देती हूँ, मैं भी जाती हूँ थोड़ा सा मेरा कैमरामैन को हेल्प करने के लिए। अभी मैं आ गई हूँ रूम में, थोड़ा हवा खा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धूप दे दिया ना, पूरी इतना ज़्यादा गर्मी लग गया कि क्या बताएं, पूरा अकबकी लग गया। झटपट से उधर का काम ख़त्म किया और हम दोनों आ गए घर। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है हवा खा के। शाम का 4:30 बज रहा है और मैं थोड़ा देर लेटी थी और अभी उठ के आ गई हूँ। कंघी वंघी कुछ नहीं की, आज बाल धोए थे तो ऐसे ही सूख गया तो बांध दी हूँ, वैसे भी तो कंघी की हूँ जैसे दिख रहा है। और इधर मस्त हवा चल रहा है बारी तरफ, अच्छा लग रहा है। घर का अंदर में तो कल बारिश हुआ, फिर भी घर का अंदर में ना गर्मी लग रहा है, बाहर में थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। और पता नहीं आज बारिश होगा कि नहीं, अभी तक तो मौसम कुछ बनाया है नहीं है वैसे बारिश करने जैसे, लेकिन किधर तो बादल गरज रहा है, सुनाई दे रहा है, लेकिन इधर वैसे मौसम नहीं बनाया है बारिश होने जैसे। मेरा मायके तरफ बादल गरज रहा है, शायद उधर बारिश हो रही होगी, और ना इधर से ना उधर ज़्यादा बारिश हो रहा है। हम लोग का इधर तो गिन गिन के वही 2 या 3 दिन, वो भी छोड़ छोड़ के बारिश हुआ है, लेकिन उधर तो पूरा लगातार इससे बारिश हुआ ना, तो सबको पूरा हल उल चला के पूरा रेडी कर दिए हैं खेत सब, धान सब बुनने के लिए, और इधर तो कुछ भी नहीं हुआ है। उस दिन एक दिन बारिश हुआ था, उसी दिन थोड़ा सा किसी किसी का ये में हल चला है ज़मीन में, नहीं तो नहीं, वैसे ही सूखा पड़ा है। देखिए ये सब सूखा है, इधर पर सब पूरा सूखा है। जाती हूँ मैं भी घर तरफ और जल्दी जल्दी खाना उना पका लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में मौसम ख़राब कर देगा, तो फिर करंट भी चला जाएगा। लाइट का तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हवा सब चलता है ना, और कीड़ा उड़ा आते हैं बारिश हो जाने से, इसीलिए जल्दी जल्दी मैं पका लेती हूँ खाना उना सब, फिर मिलती हूँ आप लोग से। ये देखिए धान सूख गया है और मैं इस बोरा में डाल दी हूँ, ज़्यादा धूप नहीं दिया लेकिन फिर भी सूख गया हम लोग का धान, तो ये बोरा में डाल दी हूँ, अकेले तो अंदर घुसाने नहीं सकूँगी, तो यहीं पर रहेगा। मेरा कैमरामैन उधर बस्ती तरफ गया है, उधर से आएंगे तो उनको बोलूँगी घुसाने के लिए। और आज बनाएंगे हम लोग मूली का साग। देखिए वैसे तो कुछ सब्जी नहीं है, मतलब तो अभी बस रात को खाने के लिए थोड़ा सा सब्जी चाहिए था, तो मूला का साग है वो थोड़ा सा है, तो उसी को ही बनाऊंगी और दाल बना दूंगी। ये बाबा एक पाव दूध लेके आए हैं बस्ती से, एक्चुअली हम लोग सुबह आधा किलो लाते हैं, लेकिन आज सुबह एक पाव ही दिए थे, शाम को ले जाना एक पाव बोले थे, तो वही लेके आए हैं। और ये मूढ़ी से और बूंदी को मिक्स कर दी हूँ, और ये रहा आज हम लोग का सब्जी,
पक गया है और इधर दाल चढ़ा दी हूँ। और सबको हम लोग बाहर में बैठे हैं और टॉफी भी पूरा है एकदम पूरा फैन का सामने में बैठा है जैसे कि उसको हवा लगेगा वैसे। और माँ इधर पत्ता सब लेके आए थे जंगल से, तो वही दोना पत्री सब बना रहे थे, क्योंकि हम लोग कुछ भी होता है ना, मतलब चिकन वकन या फिर मछली वछली कुछ भी होता है तो हम लोग दोना पत्री में ही खाते हैं। हम लोग का डिनर हो गया है और मैं खाना पीना खा के आ गई हूँ रूम में और लेटी हूँ। बाहर ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, मतलब घुपघुपी वाला गर्मी लग रहा है, तो ना जैसे करंट चला गया बाबा दुकान तरफ जा रहे थे वैसे ही एक सांप दिख गया, फिर मार दिए बाबा। वो तो अच्छा हुआ कि लाइट पकड़े हुए थे और देख लिए। अभी ऐसे टाइम में ना ऐसे ही निकलते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।